हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला तोरण डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है और बनाने में बिल्कुल आसान डिजाइन है। तो चलिए, इसकी स्टार्टिंग हम तोरण पट्टी से करेंगे। पहले तोरण पट्टी बनाएंगे, उसके बाद हम ये डिजाइन बताएंगे। तोरण पट्टी के लिए 11 चेन लेंगे। 11 चेन पर 9 डबल क्रोशिए बना लेने हैं। इलेवन चेन, स्टार्टिंग की दो चेन छोड़ देनी है, वन टू और थ्री में डालना है। हर एक चेन पर बना लेंगे तो ये 9 डबल क्रोशिए बनेंगे। 9 डबल क्रोशिए की तोरण पट्टी बना के तैयार कर लेंगे। और तोरण पट्टी का साइज हम दरवाजे के नाप के लेंगे, चौड़ाई उसकी इंची टेप वगैरह से नाप सकते हैं, तो उसी हिसाब से तोरण पट्टी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, 9 डबल क्रोशिए, तीन चेन ले लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। और यहाँ पर एक तो ये चेन वाला हो गया, एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो दो डबल क्रोशिया हो गए। चेन लेंगे, यहाँ पर आप एक या दो चेन ले सकते हैं, और इसके बाद लास्ट के दो छोड़ेंगे, दो डबल क्रोशिया, और बीच में पांच बचे हैं, तो इसको हम एक या दो चेन लेके, यहाँ पर मैंने एक चेन ली है और ये बीच वाला है, इसमें डाल लेंगे दोनों साइडों में दो दो छोड़ के। यहाँ पर हमें चार डबल क्रोशिए बनाने हैं बीच में दो चेन लेके। एक चेन भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं। फिर एक चेन लेंगे और लास्ट के दो डबल क्रोशिए बना लेने हैं। तो ये देखिए, ये वाला डिजाइन हम इसमें बनाएंगे तोरण पट्टी के लिए। फिर तीन चेन नेक्स्ट राउंड के लिए। एक चेन बीच में, और जो चेन लिए हमने दो, वहाँ पर हम इसे डाल के चार डबल क्रोशिए बनाएंगे। हर एक राउंड में ऐसे ही बनाते जाएंगे, बीच में दो चेन, फिर दो, एक चेन यहाँ पर, इसके बाद फिर तीन चेन नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से हम ये तोरण पट्टी बना के तैयार कर लेंगे, चौड़ाई के हिसाब से दरवाजे का नाप लेके। उसके बाद हम फिनिशिंग कर लेंगे दूसरे कलर से, जो हम तोरण पट्टी डिजाइन में बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने तोरण पट्टी बना के और फिनिशिंग भी इसकी कर ली है। नीचे की साइड मैंने फिनिशिंग नहीं की है, नीचे की साइड हम डिजाइन ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए डिजाइन शुरू करते हैं। डिजाइन के लिए मैं तोरण पट्टी के स्टार्टिंग के 10 राउंड छोड़ दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से शुरू करेंगे 11th राउंड पे। तीन चेन लेनी है, वो
और दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ पर। आप चाहें तो दो दो डबल क्रोशिया का डिजाइन भी रख सकते हैं या तीन तीन का भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं तीन तीन डबल क्रोशिया का डिजाइन रखूंगी इस तरह से। फिर नेक्स्ट राउंड में डाल लेंगे। इस तरह से ये 8-10 बना लेंगे तोड़ पट्टी के राउंड। 8-10 तोड़ पट्टी के राउंड में हमें ये बना लेने। इस तरह से तो ये देखिए, ये इस तरह से ये 8 से 10 11 तक बना सकते हैं। अभी हमें इन्हें कम करते जाना है, तो उसके लिए हम स्लिप स्टिच से आएंगे इधर इस तरह से बीच में आ जाएंगे इसके। यहाँ से वापस शुरू कर लेंगे तीन चेन लेके, और तीन डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो एक तो चेन वाला हो गया और दो और बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट में डाल लेंगे। नेक्स्ट में फिर तीन बना लेंगे। इस तरह से हम पूरा ये एक पेटल तैयार कर लेंगे, कम करते जाएंगे। लास्ट तक ये एक बचेगा तब तक हम इसे बना के तैयार करेंगे। यहाँ तक हमें बना लेना है। तो इधर ये वाला कम हो गया और इस साइड में ये वाला कम हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट राउंड में भी हमें स्लिप स्टिच लेके जाएंगे। और ये वाला कम हो जाएगा और दूसरी साइड में यहाँ तक बना लेंगे, तो ये वाला कम हो जाएगा। इस तरह से हमें एक बचेगा तब तक बनाएंगे। तो ये देखिए, ये एक बचा तब तक हमने कम कर लिए हैं। इसको लास्ट का एक छोड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये एक बचा है तब तक बना लेना है। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे, वाइट कलर लगाएंगे इसमें। इसको हम बैक साइड में डाल देंगे इस तरह से करके। निकाल के और गांठ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से बना लेना है। तो व्हाइट कलर से हमें चेन बनानी है बस।
तो ये हम यहाँ पर बांध ले, इतनी बड़ी चेन बनानी है। 3 राउंड तोड़, ये 1 2 3 4 राउंड तोड़ पट्टी के बचे, 4 राउंड बचने चाहिए तोड़ पट्टी के, 1 2 3 4। और यहाँ पर हम बांध लेंगे 4 वाला जो है, इतनी लेंथ हमें इसकी बनानी है। तो ये मैंने 20 चेन ले ली है, 10 और ले लूँगी, तो टोटल 30 चेन का ये हम बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा इस वाले ने, 4th राउंड इधर से, 4th राउंड में, और इधर से 1 2 3 4 5 6, 6 राउंड छोड़ के 7th में। तो 30 चेन ली है, यहाँ पर बांध लेंगे। चेन लेके जाएंगे ऊपर, वापिस से 30 चेन ले लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ तक ये चेन बना लेनी है 30 30 करके। तो ये देखिए इस तरह से हमने 30 30 चेन लेके, और ये हर एक जो ये वाला राउंड निकला हुआ है कम करते गए, वहाँ पर बांध लेनी है इसे। इस तरह से ये वाला बना लेना है 30 30 चेन लेके। और लास्ट जो एक बचा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक में दो बनाए हैं इसमें, बाकी सब में एक एक बनाना है, इसमें एक, इसमें एक। इस तरह से हम ये बना लेंगे। अब इसे हमें बांधना है, तो बांधने के लिए सेम ऐसे इसी की तरह बांध देंगे। इसमें हमने 6 7 राउंड तक बांधना है, 6 राउंड छोड़ के 7th राउंड में। तो इसी तरह से हम इधर भी इसी तरह से बांध लेंगे, 6 राउंड छोड़ के 7th राउंड में। तो यहाँ पर एक दो चेन लेके बांध देंगे, एक और दो, दो चेन ले लेंगे। फिर दो चेन ले लेंगे और नेक्स्ट को बांध लेंगे। इस तरह से दो दो चेन लेके और सारा बांध लेना है। तो ये एक सर्कल सा बन जाएगा। उसके बाद इसमें कोई डिजाइन और बनाना है तो बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बांध लेंगे। तो ये देखिए डिजाइन हमारा ये वाला बन गया है। अब मैं एक ऑरेंज कलर का राउंड लूंगी डबल क्रोशिए का। आप चाहें तो यहाँ पर भी झालर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक दो राउंड लूंगी ऑरेंज कलर का, एक राउंड। उसके बाद मैं पोम पोम बॉल लगाऊंगी इस पर वाइट कलर की। तो आपको जैसी भी लगानी हो लगा सकते हैं। यहीं पर आप ऑरेंज कलर की पोम पोम बॉल भी लगा सकते हैं, झालर लगा सकते हैं ऑरेंज कलर की। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से मैं एक राउंड ले लूंगी डबल क्रोशिए का। यहां भी डाल लेना है बीच में।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये राउंड मैंने ले लिया एक ऑरेंज का, और अब मैं यहाँ पर व्हाइट पॉम पॉम बॉल भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं अभी ऑरेंज कलर ही लगाऊंगी यहाँ पर। इस तरह से ये सारी हमें सील लेनी है, ये बीच में होगा। और पॉम पॉम बॉल बनाने आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो में देख सकते हैं, हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है पॉम पॉम बॉल बनाने का। अलग अलग तरह की पॉम पॉम बॉल बना सकते हैं वहाँ देखकर। इस तरह से मैं ये अच्छे से लगा लूँगी, और इसके अलावा एक पेटल और बनेगी तो वो भी मैं बना लूँगी, सेम इसी की तरह बनानी है। और अगर आप बड़े दरवाजे मेन गेट का तोरण बना रहे हैं तो तीन पेटल बनेंगी इसकी, तो तीन बना लेनी है। और अंदर के छोटे गेट का पर्दा ये दो पेटल में हो जाएगा। तो चलिए हम ये सील लेते हैं। इस तरह से सील लेंगे, एक बार और ले लेंगे तो ये पक्का हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर बांध लेना है, ये आप जैसे भी बांधना चाहें बांध सकते हैं। इस तरह से एक बार और डाल लूंगी मैं, इधर ले आऊंगी। ये देखिए अब नेक्स्ट बॉल लगाएंगे इसके साथ साथ ही। ये देखिए आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरा सील लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी एक पेटल बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे बचे हुए पार्ट पे। ये देखिए एक पेटल और बन जाएगी इस पर। तो इस तरह से ये डिजाइन हम बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से तोरण हमारा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए हमने दोनों पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हम बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।